क्या आपको पता है कि बाकी दिनों के मुकाबले मंडे को हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं, और अगर आपके लार को पूरे लाइफ टाइम तक इकट्ठा किया जाए तो कितना हो जाएगा, और अगर कंगारू के पास पूछना हो तो कंगारू का क्या होगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के जवाब के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि गिलहरी ये भूल जाती है कि उसने अपने 50% नट्स को कहाँ छुपाया है। आमतौर पर गिलहरी अपने नट्स को पेड़ में या ज़मीन में दफना देती है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में युगांडा ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 48% लोग बच्चे हैं, यानी कि 48% लोग 15 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, और 77% लोग 30 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। इसलिए युगांडा को पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन वाला देश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि मंडे को बाकी दिनों के मुकाबले 20% ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। एक सर्वे में यह पता किया गया है कि मंडे को बाकी दिनों के मुकाबले 20% ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, और इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप ये जानते हो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना चलता है। अगर एक 80 साल के व्यक्ति के चलने को कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 1,10,000 मील आएगा, जो कि पूरी पृथ्वी के 5 चक्कर मारने के बराबर है। यानी कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में पृथ्वी के 5 चक्कर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप ये जानते हो कि अगर एक कंगारू के पास पूछना हो तो कंगारू का क्या होगा। कंगारू बहुत ऊँची छलांगें लगाते हैं, पर क्या आपको पता है कि कंगारू अपने पूंछ की मदद से इतनी ऊँची छलांग लगाने में कामयाब होते हैं, जैसे कि आप अपने पिक्चर में देख सकते हैं। यानी कंगारू के पास अगर पूंछ ना हो तो कंगारू जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी टेल ही उसे लंबी जंप लेने के लिए मदद करती है। फैक्ट नंबर 5, अगर एक इंसान के दांत ब्रश करने के टाइम को कैलकुलेट किया जाए, यानी कि हर बार जब वो दांत ब्रश करता है तब उस टाइम को थोड़ा लाइफ टाइम कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 912 घंटे आएगा। यानी कि एक इंसान अपने लाइफ टाइम में 38 दिन तक ब्रश करता है। फैक्ट नंबर 4, हर बड़े आविष्कार के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। अलार्म क्लॉक के आविष्कार के पीछे भी एक स्टोरी थी। एक इंसान था जो कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। उसने इससे परेशान होकर एक चीज़ का आविष्कार किया, जिसका नाम रखा उसने वाइंड अलार्म क्लॉक। वो अलार्म क्लॉक उस इंसान को केवल सुबह 4 बजे से उठा सकती थी, जिसे हमारे ज़माने में अलार्म क्लॉक कहा जाता है। उस इंसान के इस आविष्कार के 100 साल बाद ऐसी अलार्म क्लॉक का आविष्कार हुआ जिसे कस्टमाइज सेट किया जा सकता था। क्या आप जानते हो कि इसका आविष्कार किसने किया था। लेवी हचिंस नाम की एक वैज्ञानिक ने। फैक्ट नंबर 3, हम लक्की हैं जो 7 कलर्स को देख पाते हैं, नहीं तो बाकी जानवर तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। बाकी के जीव 7 कलर्स को सेंस नहीं कर पाते, वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर को सेंस कर पाते हैं, जिससे वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, टेक्निकल फैक्ट, अगर आप अपने फ़ोन के बैटरी लाइफ को ज़्यादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा ज़्यादा समय तक टिके, तो आप अपने फ़ोन की बैटरी को 20% से 95% के बीच में चार्ज रखिए। इससे आपकी बैटरी की लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाएगी और आपका फ़ोन ज़्यादा दिन तक चलेगा। फैक्ट नंबर 1, अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि हमारे मुंह में पूरी लाइफ में कितना लार बनता है, तो क्या आप जानते हैं कि इससे 2 स्विमिंग पूल भर जाएंगे। कैसे, हमारे मुंह में लगभग 1 दिन में 1 से 2 लीटर लार बनता है, और लगभग 1 महीने में 60 लीटर लार बनता है, और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 720 लीटर लार बनता है। ऐसे ही 70 साल तक 50,100 लीटर लार बनता है। 50,100 लीटर लार किसी भी स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफ़ी है। एक नहीं बल्कि 2-2 स्विमिंग पूल को इतना लार आराम से भर सकता है। अगर आप लार का मतलब नहीं समझे तो समझिए, लार को सलाइबा कहते हैं। अब तो आपको पता लग गया होगा कि लार किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा। हम हर संडे ऐसी फैक्ट्स वीडियो लाते रहते हैं,
इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।